लगभग 4 से 5 हज़ार यूनिट की सेल हर महीने एकोस्पोर्ट को फोर्ड का जो है स्टार बनाती है। एक स्टार मतलब ये उस कैटेगरी की कार है फोर्ड के लिए, जैसा कि मारुति के लिए वो एल्टो हो, डिज़ायर हो, जैसा कि ह्यूंडई के लिए i20 हो, क्रेटा हो, ग्रैंड i10 हो, जैसे कि फियाट के लिए उसका इंजन हो, मतलब वो सिर्फ इंजन बेचते हैं। तो इस स्टार प्रोडक्ट को जो है फोर्ड ने धमाके से फिर से लॉन्च किया था पिछले साल, लेकिन इसमें अपना एकोबूस्ट इंजन जो कि बहुत ही फेमस था उस टाइम, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, वो लॉन्च नहीं किया गया था। एकोबूस्ट हमें देखने को मिला कुछ टाइम बाद में। ये फोर्ड एकोस्पोर्ट एस वेरिएंट है और इस एस वेरिएंट में दो इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक मिलता है वही 1.5 TDCI और दूसरा मिलता है 1 लीटर एकोबूस्ट इंजन। एकोबूस्ट अपने आप में एक बेहतरीन इंजन है, इनफैक्ट ये फोर्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाला इंजन है, लेकिन ये रिवॉर्डिंग है या नहीं है ये तो सिर्फ फोर्ड बता सकता है हमें। बाकी एकोबूस्ट जो है उसके बारे में ये एक चीज़ खास अच्छी रही थी कि जब पहले 1.5 लीटर जो इंजन था फोर्ड का पेट्रोल इंजन, वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो जो 1 लीटर एकोबूस्ट जो था पिछली एकोस्पोर्ट में, वो बेहतरीन इंजन लगता था, सबको वही रिकमेंड किया जाता था मेरी तरफ से। अभी 1.5 जो ऑलरेडी फ्रॉड के बाद ड्रैगन सीरीज इंजन है, वो बहुत बेहतरीन इंजन है। हालांकि इस इंजन में भी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, गियरबॉक्स एक नया है, तो आइए चला के देखते हैं, जानते हैं कि क्या क्या में नया है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये जो एस ट्रिम जिसमें एकोस्पोर्ट एकोबूस्ट दिया जा रहा है उसमें क्या क्या नया है। तो ये बात करते हैं फोर्ड एकोस्पोर्ट एकोबूस्ट की, ये एस ट्रिम जो है उसमें क्या नया है। और इंजन जो है वो मैंने ऑलरेडी हुड खोल रखा है क्योंकि इंजन मेजर डिफरेंस है, तो इंजन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे इंजन जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, मतलब यहाँ पे काफ़ी इजीली फिट होता है इतने बड़े इंजन बे में। इधर स्पेस अवेलेबल है, इधर भी स्पेस अवेलेबल है, और यही सेम इंजन पहले भी आया करता था, बस गियरबॉक्स का एक बदलाव है। ये पूरी तरीके से इंपोर्टेंट इंजन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कैरी ओवर इंजन प्लांट 22 अगस्त 2017 को मैन्युफैक्चर्ड है। पूरी तरीके से इंपोर्टेड इंजन है, कुछ कुछ पार्ट हो सकते हैं इंडिया में बनाए गए हो, लेकिन मोस्टली ये इंपोर्टेड इंजन ही है। अभी बात करें सिर्फ एस ट्रिम की कि उसमें क्या अलग है, तो सबसे पहले मैं हुड बंद कर देता हूँ। अब एस ट्रिम में अगर आप नोटिस करेंगे तो क्रोम एलिमेंट कम कर दिया गया है, ब्लैक चीज़ें ज़्यादा डालेगी, थोड़ा सा ब्लैक हेडलैम्प में दिखेगा, ब्लैक वर्क जो है वो ज़्यादा दिखेगा, जो कि एक स्पोर्टी फील लेके आता है उसमें। इवन जो रूफ़ है वो भी ब्लैक की गई है, तो ब्लैक टचेस जो है बाहर की तरफ दिए गए हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पे रिम्स दिए गए हैं 17 इंचेस के, वो भी काफ़ी हद तक ब्लैक ही है, गन मेटल ब्लैक जिसे बोल सकते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम उसे देती है। रिम्स जो है 17 इंचेस हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो टाइटेनियम प्लस जो है उसमें पहले 17 इंचेस के रिम आते थे, वो टाइटेनियम प्लस वाले रिम्स अब नहीं आते हैं, अब टाइटेनियम प्लस में 16 इंच के ही आते हैं। और वैसे भी मुझे कोई खास लगता नहीं है कि 17 इंच से कोई ज़्यादा किसी को अच्छा लगने वाला है, इनफैक्ट थोड़ी सी राइड क्वालिटी बेटर है वो 16 इंच वालों की। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको 17 इंच मिलते हैं जो कि लुक्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए अंदर की तरफ बात करते हैं, तो काफ़ी सारा ऑरेंज इंसर्ट्स मिलेंगे आपको, जैसे कि सीट में ऑरेंज इंसर्ट है, जैसे कि जो ग्रिप है हैंडल ग्रिप्स, इनमें यहाँ पे ऑरेंज इंसर्ट्स मिलेंगे, और भी कई जगह पे ऑरेंज इंसर्ट्स आपको दिए गए हैं। MID जो है उसमें TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शो होगा, पहले ये टाइटेनियम प्लस में भी आता था लेकिन अब नहीं आता है, सिर्फ इसी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलेगा। जो नई चीज़ एक और है वो है 6 स्पीड का गियरबॉक्स, यहाँ पे ये 6 स्पीड का गियरबॉक्स जो है एकोबूस्ट में ही मिलेगा आपको। उसके बाद में अगर पीछे की तरफ आएंगे तो वही छोटा मोटा ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, और यहाँ से आपको देखने से पता चलेगा कि ये एक टाइटेनियम एस वेरिएंट है, और एकोबूस्ट जो है इंजन की बैजिंग भी यहाँ पे दी गई है। बाकी सब कुछ वही है, फोर्ड 5th व्हील जो है स्पेयर व्हील है वो भी अलॉय है, जो कि फोर्ड हमेशा रखता है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। बाकी कुछ अलग नहीं है गाड़ी में, जो भी आपको मिलना है वो टाइटेनियम प्लस में मिल सकता है, अपार्ट फ्रॉम TPMS और जो है ये टायर्स जो है। TPMS मेरे को लगता है उसमें से नहीं निकालना चाहिए था, बट अभी फोर्ड ने निकाल दिया है। बाकी फुल्ली फीचर लोडेड कार है जैसे कि बाकी वेरिएंट्स हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको यहाँ मिलती है जो कि आपको टाइटेनियम में नहीं लेकिन आपको सिग्नेचर वेरिएंट में मिल जाएगी, वो है इस गाड़ी में अवेलेबल सनरूफ। ये आपको सिग्नेचर वेरिएंट में भी मिल जाएगी, फोर्ड इसे फनरूफ कहता है। चलिए चलाते हैं कार और बात करते हैं कि कैसी है चलाने में। एकोस्पोर्ट का एकोबूस्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कहा जा सकता जिस प्राइस पे आता है स्ट्रिम के साथ में, लेकिन हाँ महंगा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, क्योंकि इम्पोर्टेड इंजन है तो डेफिनेटली थोड़ा तो प्राइस ऐसे भी बढ़ेगा ही, और टर्बोचार्ज इंजन है, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, थोड़े ज़्यादा मैकेनिकल्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में देने लायक ये भी है कि क्योंकि ज़्यादा मैकेनिकल्स इन्वॉल्व है तो सर्विस जो है वो इसकी 1.5 जो लीटर इंजन है उसके मुकाबले
थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टली हो सकती है, मतलब ओवर द टाइम इतना कोई ज्यादा डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, पर फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जिन लोगों को अभी भी एको स्पोर्ट 1.5 और 1 जो उसका पेट्रोल और डीजल है उसका रिव्यू जानना है, उस इस वीडियो में उसके बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले। एक प्रॉपर आधे घंटे की वीडियो बनाई हुई है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंजन की ड्राइवेबिलिटी की। पिकअप जो है गाड़ी का बहुत अच्छा है, नो डाउट गाड़ी अच्छा पिकअप करती है, लेकिन मतलब थोड़ी सी सिटी में थोड़ा सा बार बार आपको टर्बो लैग वाली फीलिंग आ सकती है। हालांकि जो पिछला एकोबूस्ट है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है फोर्ड ने किया है इस नए गियरबॉक्स के साथ में उन्होंने। एक और चीज़, ये ही वो इंजन है जो कि आपको मतलब अगर आप एकदम से जो कहते हैं ना फास्ट टेक ऑफ वाला पिकअप करना चाहें तो दो बार व्हील स्पिनिंग करवा देगा, पहला तो जब पिकअप लेते टाइम और फिर बाद में टर्बो किक जो उसका होता है 1800 आरपीएम के आसपास, तो फिर व्हील स्पिन वो करवाता है। मुझे इस इंजन को चलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत फन टू ड्राइव है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है कि जो नया 1.5 ड्रैगन है उसकी ड्राइवेबिलिटी थोड़ी सी बेटर आपको लगेगी शहर में, हाईवेज़ पे ये बहुत ही अच्छा पिक करता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरटेक वगैरह में भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप सही गियर्स मेंटेन करते हो तो ये वाला इंजन आपको जो नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 पेट्रोल है उससे ज़्यादा माइलेज भी निकाल के देगा, ये भी आई एम क्वाइट श्योर कि ज़्यादा माइलेज निकाल के दे देगा। उसके बाद में हैंडलिंग वगैरह में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि फोर्ड ने जो है सब कुछ सेम ही रखा है हैंडलिंग वगैरह के मामले में, तो किसी भी तरीके का कोई मेजर बदलाव आपको हैंडलिंग वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। 17 इंच टायर है तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफनेस दिखती है, 16 इंच होते तो भी मैं तो कंप्लेन नहीं करता, हालांकि दिखने में अच्छे लगते हैं 17 इंच के जो टायर्स उसमें लगे हैं। एस ट्रिम है तो आपको नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ऐसी ट्रिम के साथ में इंजन अवेलेबल है, हो सकता है किसी और ट्रिम के साथ मिलता तो थोड़ा कॉस्ट जरूर कंट्रोल में आ जाती अगर किसी को यही इंजन चाहिए होता, लेकिन उसका बजट नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी लोग उतना खरीदते नहीं क्योंकि 1.5 वगैरह जो है इसके ऑलरेडी इंजन है उसी पे लोग शिफ्ट रहते हैं उसकी वैल्यू के कारण। अगर सेम ट्रिम में भी दिया जाता तो डेफिनेटली वो वाले इंजन सस्ते ही होते। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मैंने टर्बो लैग के साथ में बताई आपको, 1800 आरपीएम तक वो जाके क्लियर हो जाती है, लेकिन एक विसल जो आती है टर्बो की, एक आवाज़ सी आती है विसल नॉइज सी 2000 आरपीएम के आसपास, ये जब आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो तब आती है, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद में एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये कि गियर बॉक्स जो है इसका थोड़ा सा स्टिफ है, मतलब उसको थोड़ा सा बेटर किया जाता था, साथ ही क्लच भी थोड़ा सा हार्ड है, हालांकि क्लच का ट्रैवल जो है वो बहुत कम है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता है वो, तो वो चीज़ अच्छी लगी मुझे। लेकिन थोड़ा सा और मतलब स्मूद या कह सकते हैं ना हल्का उसे किया जा सकता था गियर बॉक्स जो है उसे, थोड़ा सा मुश्किल उसमें आती है, मेहनत आती है, तो जो लोग सिटी में चलाने वाले हैं उनको थोड़ा सा ये सहन करना पड़ेगा। बाकी इस इंजन से मुझे कोई शिकायत नहीं, बहुत ही बेहतरीन इंजन है, माइलेज जो है बेटर डिलीवर करेगा। हम इतना हार्ड एक्सेलरेट कर रहे थे, मतलब आगे पीछे रगड़ रहे थे एक तरीके से, उसके बावजूद जो है 10 कुछ किलोमीटर माइलेज दिखा रहा है और अभी तक जो है पूरी सिटी वाली ड्राइव रही है हमारी। हालांकि अगर मैं प्रॉपर गियर्स वगैरह अभी अगर आपको यूज़ करके बताता हूँ तो ये जो है आपको अच्छी खासी माइलेज जो है ग्रो करता हुआ दिखेगा। अभी 10.3 पे है और नो डाउट ये जल्द ही 10.4-10.5 करता 12 के आसपास शहर में दे देगा आपको। अभी 10.4 हो गया, 12 के आसपास शहर में आपको दे देगा और मेरे ख्याल से हाईवे पे आपको 17 के आसपास ये माइलेज निकाल के दे देगा, जो कि इस हैवी कार के लिए बहुत अच्छा माइलेज फिगर मेरे ख्याल से है। तो नो डाउट माइलेज में आपको जो पेट्रोल इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड उससे ज़्यादा माइलेज ये आपको डिलीवर कर देगा। साउंड जो है गाड़ी के अंदर जो आवाज़ आती है वो थोड़ी सी आवाज़ जो है वो ज़्यादा है, मतलब कंपेरेटिवली अदर जो इंजन है इसके, लेकिन कोई परेशान करने वाली साउंड नहीं है, एकदम मस्त साउंड है पेट्रोल इंजन की। जो है वो विसल नॉइज़ जो है वो भी आपको अच्छी ही लगेगी सुनने में, और वो हर बार नहीं आती विसल नॉइज़ भी, वो भी आप जब एकदम से एक्सेलेटर पर पाँव धर देते हो तो निकल के आती है। अभी एकोबूस्ट जो है वो एक ऐसा इंजन हो गया है जिसको ख़रीदने से पहले एक बार लोगों को रिकंसिडर करना पड़ेगा कि आखिर उन्हें क्यों चाहिए।
क्योंकि जो 1.5 लीटर इंजन पहले हुआ करता था पेट्रोल में, वो इतना डल था कि लोग लिटरली इकोबूस्ट को बहुत अच्छा इंजन समझते थे इकोस्पोर्ट के मामले में। लेकिन अभी फोर्ड के पास जो 1.5 ड्रैगन सीरीज इंजन है वो बहुत ही बेहतरीन इंजन है ऑलरेडी। तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्यों उन्हें नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं चाहिए, ये टर्बोचार्ज इंजन चाहिए। मेरे ख्याल से जिन लोगों को थोड़ा सा और फन टू ड्राइव नेचर चाहिए गाड़ी में, उनको ये इकोबूस्ट पसंद आएगा डेफिनेटली। जब पुल करते हो उस इंजन को तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा है उस 1.5 ड्रैगन सीरीज वाले इंजन के मुकाबले, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा सा माइलेज ये ज़्यादा दे पाएगा उस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के मुकाबले। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिटी ड्राइवेबिलिटी के मामले में जो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इस इकोबूस्ट से बेटर है, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है शहर की डे टू डे ड्राइव्स होती है। नो डाउट 6 स्पीड ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी हद तक ड्राइवेबिलिटी सुधर गई है पुराने इंजन के मुकाबले, पुरानी जो कार है उसके मुकाबले इसमें। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जो ड्रैगन सीरीज़ है वो थोड़ा सा बेटर कम्फर्ट दे पाएगा यहाँ पे। एक और रीज़न आपके पास जो है इस इंजन को ख़रीदने का, वो फोर्ड ने इंटेंशनली रखा है, वो है इसका एस्ट्रिम। जी हाँ, एस्ट्रिम सिर्फ और सिर्फ डीजल और पेट्रोल के इको बूस्ट में ही अवेलेबल है। तो अगर आपको वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये अलॉयज और सनरूफ वगैरह सब एक साथ एक ही पैकेज में चाहिए, तो आपको पेट्रोल में यही इंजन ख़रीदना पड़ेगा। वहाँ पे 1.5 लीटर ड्रैगन सीरीज़ अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से फोर्ड वो अवेलेबल भी नहीं करवाएंगी, क्योंकि फिर शायद इसको इसके बायर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस पर। बाकी तो मुझे लगता है ये आपका डिसीजन है, आपको कौन सा लेना है। इंजन में ऐसा कोई कमी नहीं है, जो भी है मैंने यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया दोस्तों। पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।